राम राम जी सबको। हमारे बीच में सच्चाई से और सादगी से और मजबूती से आपकी आवाज उठाने का काम किया था, जब वो पहले भी यहाँ से आपने उनको अपना नुमाइंदा चुना था। सच्चाई से, सादगी से और मजबूती से, बिना किसी लोभ लालच के, केवल भादुगढ़ आगे कैसे जाए इस उद्देश्य के लिए जो पहले भी दिन रात जिन्होंने एक करने का काम किया था। और मुझे पूरा विश्वास और यकीन है कि भादुरगढ़ को दोबारा से विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए आपके सहयोग और आशीर्वाद से दोबारा से दिन रात एक करके जो आज तपस्या करेंगे, उसी सच्चाई से, उसी ईमानदारी से, उसी सादगी से। हमें गर्व है अपने भाई पर, हमारे विधायक राजेंद्र सिंह जून जी, हमारे बीच में हमारी झज्जर से जो विधायक बड़े बहुमत से, जिनको लोगों ने झज्जर विधानसभा से चुना है, हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री रही और लगातार तीसरी बार झज्जर से जो रिकॉर्ड बना, वैसे चौथी बार, पहले कलायत से थी, फिर तो पहले कलायत से थी, फिर उसके बाद उनको हमने बुला लिया था कि भाई आप अपने जो है अपने घर आ जाओ। और मेरे ख्याल ये भी रिकॉर्ड है, क्योंकि झज्जर विधानसभा से कोई भी तीन बार, क्योंकि हर बार वो विधानसभा बदलता था, मेरे ख्याल तीन बार लगातार हैट्रिक बनाने का ये रिकॉर्ड, झज्जर का भी रिकॉर्ड टूट गया। हमारी बहन गीता भुक्कल जी, तो भाई दोनों का हैट्रिक का रिकॉर्ड जो है, हमारे राजेंद्र जून जी का भी और गीता भुक्कल जी का भी, इस बात के लिए विशेष तौर पे हम बधाई देते हैं दोनों को। हमारे बादली से विधायक बड़े बहुमत से जीते हैं, जिनकी शुरुआत हुई है, अब बहुत संघर्षशील साथी हैं भाई कुलदीप वत्स जी, हमारे भाई राजेश जून जी, हमारे भाई संदीप राठी जी जो नगर पालिका के हमारे जो अध्यक्ष हैं उनके सुपुत्र हैं, हमारी भाभी जी श्रीमती शबनम जून जी, जयदीप धनखड़ जी, हमारे विक्रम जून जी, आजाद राठी जी, वेद प्रधान जी पूर्व अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका के हमारे चेयरमैन रहे, हमारे संघर्षशील भाई रवि खत्री जी, श्रीनिवास गुप्ता जी, पार्षद भाई हमारे युवराज छिल्लर जी, रविंद्र जाखड़ जी, हमारे बहुत ही एक और संघर्षशील भाई सतपाल राठी जी, राजेश खत्री जी, जोली राठी जी, गजानंद गर्ग जी, हमारे आदरणीय राज पहलवान जी, जो कि मेरे बोलने के बाद धन्यवाद करेंगे सबका, तो धन्यवाद का प्रस्ताव वो हमारे राज पहलवान जी, कुलदीप छिकारा जी पूर्व पार्षद, सत्य प्रधान जी हमारे बहुत ही जो है, सत्य प्रधान जी, टेनी प्रधान जी, तेजबीर एक्स चेयरमैन, प्रीवर दलाल, प्रदीप लडरावन, कृष्ण यादव, बलजीत नांदल जी, दिनेश नागर जी, डीसी सैनी जी, कृष्ण जून जी, राजू नागपाल जी, इंदर राठी जी, असलम खान, सज्जन दलाल जी, मास्टर सुशील जी, सत्य भाई सत्य जी, राजपाल दलाल जी, बिंदर प्रधान जी, कृष्ण सैनी जी, बहुत से, एक्चुअली मैं देख रहा हूँ ये जिसने भी लिखी है ये जो लिस्ट है, पीछे खड़े होके किसने लिस्ट बनवा दी है, क्योंकि इसमें सारा ही जो, क्योंकि मैं लगभग अब जो है श्री ओम जी है, रामफूल जी है, मैं किसका मतलब जहाँ जो है नजर पड़े, विजेंद्र जी प्रधान जी, भगत सिंह भाई, भाई कहते हैं आदरणीय हमारे भगत जी, पीछे राजू हमारे पंडित जी जो अपना स्टेज का संचालन कर रहे हैं, हमारे जून साहब अपना करनाल से, तो ये सारे वजीर राठी जी हमारे पूर्व पार्षद, असल में भाई अमित कसार से, तो ये जहां नजर पड़ रही है तो सारे सरपंच हमारे, जैसे अभी जून साहब
तो ये जो जून साहब, सबसे पहले तो आप ये काम करो कि भाई ये जो लिस्ट बनानी है, बनाने वाला है ना जो आपका डीआईजी धर्मपाल जी, जो लिस्ट बनाने वाला है, वो अगली बार या तो ये हो कि भाई किसी का नाम नहीं या उसमें हो सबका, इसीलिए इसमें सारे बराबर हैं। इसमें इसमें अब दलाल साहब बैठे हैं, ये अभी साहब मेरे से गलती कभी भी ना, मैं आप कार्यकर्ता की जब मीटिंग होती है मैं कार्यकर्ता भी बोलता हूँ, स्वस्थ कार्यकर्ता। तो ये आगे से आप भी जो है स्वस्थ कार्यकर्ता बोला करो, कोई किसी का नाम रहता है वो बुरा मानते हैं। अभी साहब भाई मेरे साथ गलती होगी, मैं आगे से किसी का नाम नहीं लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जून साहब। और ये यही आपकी जो, यही आपका जो स्टाइल है, एक मिनट में आपने उस बात के लिए गलती मान ली, ये जो है यही नरमाई है, यही नरमाई पार आपको ने आपको पार किया है, इस नरमाई को आपको रखना। क्योंकि बहुत से साथी मैं भी देख रहा हूँ आगे, अभी अंजीत दलाल जी अपना उस टाइम इसके मंडल के अध्यक्ष थे बीजेपी के, सारा गांव से उन्होंने ज्वाइन किया था इलेक्शन में। तो इस तरह के साथी, इस तरह के साथी हैं, तो अपना हमारे सारे पत्रकार साथी हैं उनके भी मैं सबके, हमारे पवन जी, हमारे वर्मा साहब, इन्होंने पूरा अपना जो पूरी जो अपना शहर की जो पूरी मार्केट है उसके अंदर इस तरह से इनका, तो इतने लोगों के नाम रह गए। मैं सबसे माफी मांगता हूँ, मैं भी जून साहब की तरह सभी मेरे पिता के समान बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें, आज मैं भी अपनी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये लड़ाई जो इस विधानसभा की लड़ाई थी, बहुत बहुत जरूरी लड़ाई थी आपके और हमारे लिए, इस इलाके के लिए, हरियाणा के लिए, हरियाणा को बचाने के लिए, अपने इलाके को बचाने के लिए बहुत जरूरी लड़ाई थी। और वो संघर्ष, वो लड़ाई आपने जीती, बहादुरगढ़ से आपका आशीर्वाद मिला और यहाँ से राजेंद्र जून जी को आपने जिता के भेजा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि मेरी हार उतार दी आपने, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नतीजा आया, ये नतीजा ऐसा है, हरियाणा के अंदर जो नतीजा आया उससे एक बात स्पष्ट है, उस नतीजे से पत्रकार बैठे हैं सारे, वो विश्लेषण करते हैं, आकलन करते हैं। हरियाणा के चुनाव का जो नतीजा आया पूरे देश के अंदर, उस नतीजे की आवाज सुनाएगी। और एक आवाज आई कि जो जन भावना थी हरियाणा में, जो नतीजों की से निकल के जो जन भावना दिखाई दी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बाहर करने की जन भावना हरियाणा में थी, लोगों की ये भावना थी। अगर ये भावना नहीं होती तो मैं सवाल पूछता हूं आपसे, 12 मंत्री थे इस सरकार में, खट्टर सरकार में, 12 में से केवल 2 मंत्री वापस विधानसभा के में, बाकी 10 मंत्रियों को पूरे हरियाणा के एक एक कोने में लोगों ने धूल चटाने का काम किया, सरकार का चेहरा मंत्री होते हैं उन सबको, कहीं किसी की तो कार्यशैली ठीक रही होगी मगर सबको। और वो जो एक अंबाला में एक मंत्री जीते हैं, वो तो हमारी टिकट में गड़बड़ हो गई, नहीं तो वहां भी आपको पता है। तो सारे मंत्रियों की 75 पार की बात कर रहे थे, जो पार्टी 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव में 79 सीटों पर जीती हो, वो उससे वो 40 पे आ जाए। शाम दाम दंड भेद का प्रयोग किया मीडिया में, 75 पार। और मीडिया में भी आपने एक बात देखी होगी, मीडिया में जितने इलेक्शन चले, हुड्डा साहब की और मेरी कोई खबर मीडिया में नहीं आती थी। इनका कसूर नहीं था, इनसे मैं बात करता था, सबसे सारे जिलों में मैं बात करता था, ये खबर बना के भेजते थे, मगर ऊपर से आदेश थे कि भाई इनकी खबर नहीं छपनी चाहिए। एक तरफ बीजेपी दिखाते थे, दूसरी तरफ जेजेपी दिखाते थे, क्योंकि पहले से ही उनकी बात हो चुकी थी, पहले से ही कोई ना कोई समझौता हो चुका था, जो कर हम थे ही नहीं मैदान में। मगर आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी आवाज को, आपने अपनी आवाज को गुम नहीं होने दिया, बुलंद कर दिया, पूरे देश में उस बात का संदेश गया। जन भावनाएं ऐसी थी कि सरकार 79 से 40 पे आ गई,
सारे मंत्री हार गए। आज जन भावनाओं का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है। बीजेपी वालों ने, आपने देखा होगा, पिछले एक महीने हर जिले में जाकर उन्होंने हार के आकलन का है कि क्या कारण रहे हार के। झज्जर में भी आए थे, हार के क्या कारण रहे। एक तरफ वो तो हार के कारण ढूंढ रहे हैं और दूसरी तरफ हम धन्यवाद कर रहे हैं आप सबका। ये भी जन भावनाएं किस तरीके किस तरफ थी। और हार के कारण महेंद्रगढ़ में मीटिंग हुई कि क्या हार के कारण है, तो रामविलास शर्मा जी ने कहा कि हार का मेन कारण जो खट्टर साहब की जन आशीर्वाद यात्रा थी वो मेन कारण था। रथ यात्रा मेन कारण। तो ये जन भावनाएं होती, जन भावनाओं का आकलन ये होता है, ये विश्लेषण होता है। जितनी सीट आई ये ठीक बात है कि कुछ संगठनात्मक फैसलों में कांग्रेस हमारी पार्टी से भी जो संगठनात्मक फैसले जिस समय पे लिए जाने चाहिए थे शायद कहीं ना कहीं, मगर जितनी सीट आई उसके बावजूद जो बाकी भी जीते, चाहे वो इंडिपेंडेंट जीते और चाहे वो जेजेपी वाले जीते, मैं आपसे पूछता हूं, ये भी एक जन भावनाओं का को परखने का एक कसौटी की एक पहचान होती है। मैं आपसे पूछता हूं कि भाई जो जेजेपी वाले जीते थे और जो निर्दलीय जीते थे, वो खट्टर सरकार को दोबारा बनाने के नाम पे वोट लेके जीते थे या खट्टर सरकार को सत्ता से बाहर करने के नाम पे जीते थे? बाहर करने के लिए। उनका एक एक विधायक, वो स्वयं उनका एक एक विधायक एक एक गांव में गया और कहा कि खट्टर सरकार को जमुना पार भिजा देंगे, इस सरकार ने हरियाणा का नुकसान कर दिया, इस सरकार को सत्ता में बाहर वापस नहीं आने देंगे, आप वोट दो। लोगों ने विश्वास किया और वोट दिए, उनके विधायक बनाए और उसके बाद उनने क्या किया, उस विश्वास की, लोगों के उस विश्वास की पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया, उस विश्वास को तोड़ने का काम किया। विश्वासघात जो लोगों की जन भावनाओं के विपरीत केवल स्वार्थ में, केवल अपने खुद के स्वार्थ में सरकार बीजेपी की दोबारा से बनाने का काम किया। और उसके बाद आपने, आप देख रहे हैं, मैं समझता हूं राजनीति में राजनीतिक गिरावट का यह प्रतीक है, इससे ज्यादा राजनीतिक गिरावट का प्रतीक नहीं हो सकता। वोट किसी और के नाम पे लो, सपोर्ट किसी और की करो, फोटो किसी और की दिखाओ और दूल्हा किसी और को बनाओ, इससे ज्यादा राजनीतिक गिरावट नहीं हो सकती। कहां लोगों का विश्वास बचेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लोगों का विश्वास कहां बचेगा अगर राजनीति में इस तरह, इस दिशा में राजनीति चली। यही कारण है आज उनके सारे विधायक छटपटा रहे हैं, यही कारण है सारे निर्दलीय छटपटा रहे हैं, और यही कारण है हरियाणा के जिस जिले में मैं जाता हूं पहला सवाल प्रेस के साथी पूछते हैं ये सरकार कितना लंबा चलेगी। यही कारण है, क्योंकि जन भावना कुछ और थी और सपोर्ट किसी और को किया है, इसीलिए इनके सारे विधायक छटपटा रहे हैं। प्रेस वाले, जहां भी जाता हूं, करनाल में परसों समालखा हल्के में धन्यवाद कार्यकर्ता मीटिंग थी, जैसे अब सारे हल्कों में अपन जहां जहां विधायक जीतते हैं धन्यवाद कार्यकर्ता मीटिंग हो रही है, तो समालखा हल्के में थी, उसके बाद करनाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो पूछ रहे थे कि कितने विधायक आपके संपर्क में हैं। तो मैंने कहा थर को तुमने क्यों बताऊंगे भाई, मगर ये अस्थाई सरकार, जन भावनाओं के विपरीत सरकार, एक अस्थाई सरकार हरियाणा को लंगड़ी और लूली सरकार ने देने का काम किया। फिर भी प्रजातांत्रिक विपक्ष में हमारी जिम्मेदारी विपक्ष की तय हुई है, जैसे पिछली बार तय हुई थी, हम उस जिम्मेदारी को हंसते हुए मुस्कुराते हुए स्वीकार करते हैं, मगर हम साथ की साथ इस सरकार को यह भी चेताना चाहते हैं, हरियाणा में विपक्ष इस बार कमजोर नहीं है, बराबर का टक्कर का विपक्ष है, केवल 4200 वोट, आपको यह भी पता होगा, केवल 4200 वोट बीजेपी और कांग्रेस में सबसे बड़ा दल के रूप में, अगर 4200 वोट और कांग्रेस को मिलती तो सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में उभर के आती, तो केवल 4200 वोट का फर्क रह गया। 4200 वोट तो एक गांव की वोट होती है, 2 करोड़ आबादी के, 2 करोड़ जन वोटर आबादी के, 2 करोड़ वोटों की लगभग प्रदेश में 4200 वोट के अंतर से फैसला हुआ, सबसे बड़ा दल
कौन कौन सा होगा। ये विपक्ष हरियाणा में, मैं इस सरकार को चेताना चाहता हूँ और आज अपने सारे परिवार के माध्यम से मैसेज देना हम चाहते हैं, हरियाणा विपक्ष टक्कर का विपक्ष है, बराबर का विपक्ष है, कमजोर विपक्ष को अब हरियाणा में समझ के सरकार नहीं चल सकती। अगर आप जनहित के अच्छे फैसले करोगे, कुछ काम करोगे, तो हम सराहना करेंगे, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। मगर अगर आपने जनता के हितों में काम करने में कोई अगर की कसौटी पे आप पूरा ना उतरे, तो पूरी आपको आपसे पूरी लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, टक्कर करेंगे, टक्कर देंगे, सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा से लेकर और गांव के किसान के खेत तक ईंट से ईंट बजा के लड़ाई लड़ने का हम काम करेंगे हरियाणा में। यही हमारी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को लेकर आगे बढ़ेंगे। और ये किस मकसद से सरकार बनी है, इसका एक और चीज आप अंदाजा लगा सकते हो। महाराष्ट्र के अंदर हमारी सरकार बनी, गठबंधन की सरकार, तीन पार्टियों का गठबंधन था महाराष्ट्र के अंदर। पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, उसके बाद मुख्यमंत्री की शपथ हुई महाराष्ट्र में। पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना और मुख्यमंत्री की शपथ होने के बाद तुरंत बाद महाराष्ट्र के अंदर किसान के सारे कर्जे माफ हुए, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने का काम हुआ और 75% महाराष्ट्र की कंपनियों के अंदर वहां के लोकल व्यक्ति की जॉब्स के रिजर्वेशन हुई। बाकी भी जो फैसले महाराष्ट्र के अंदर हुए, मगर ये क्योंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो था। इस सरकार को बने 2 महीने से ज्यादा हो गए, अभी तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ही नहीं बेरा। क्या कॉमन मिनिमम कमेटी बनाई है कोई? वो कमेटी करेगी फैसला। महाराष्ट्र में तो तीनों दल बैठे थे, 2 घंटे में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की ये करना है। ये इस सरकार में सारे बैठे, फैसला किया, पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, सारे मंत्रियों का पीएडीए बढ़ा दिया, यही हुआ ना है? पता है जितना भी बढ़ा दिया, 50 लाख बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया। तो ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था? ये कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है, अपना खुद का प्रोग्राम है, अपना खुद का प्रोग्राम है। लोग दिखते तो इतने फैसले कर देते, तो अपना खुद का प्रोग्राम है, मगर अपने को लड़ाई इनसे लड़नी है। आज बेरोजगारी में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, आर्थिक मंदी की चपेट में पूरा हरियाणा, पूरा देश, किसान कृषि संकट के बादल किसान पे मंडरा रहे हैं और महंगाई प्याज टमाटर से लेकर और डीजल पेट्रोल तक महंगाई रिकॉर्ड तोड़, अर्थव्यवस्था चौपट। हरियाणा में विकास का कहीं दूर दूर कोई परियोजना को नामो निशान नहीं। 6 साल हो गए, 2014 में सरकार बन गई थी, 2014 में सरकार बन गई थी जो है अप्रैल में मोदी जी की केंद्र की, लगभग 6 साल होने जा रहे हैं। तो 6 साल में कोई एक बड़ी परियोजना हरियाणा में नहीं आई। और नई परियोजना छोड़ो, ये एम्स की ठीक बात करी मैं, एक तो प्रतीक है इस बात का, 11 संस्थान बनने थे एम्स में, केवल कैंसर इंस्टीट्यूट बना है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, 11 संस्थान बनने थे और एक जनरल एम्स बनना था यहाँ पे बाढ़ समय। पिछले 6 साल में जो जिसका फाउंडेशन स्टोन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने रख दिया था जसोर खेड़ी में, वो एक तैयार हुआ है। इतना बड़ा स्वास्थ्य कॉम्प्लेक्स यहाँ बनना था, हमारे हजारों बच्चों को यहीं पे रोजगार के अच्छे अवसर मिलते अपने घर में, एक उदाहरण है इस बात का। एक नया प्रोजेक्ट छोड़ो, कोई पुराना प्रोजेक्ट भी इन्होंने को ध्यान दिया नहीं। तो हरियाणा को दोबारा से ट्रैक पे लाने के लिए लड़ाई हम विपक्ष में रह के लड़ेंगे। और मैं आप सब से अपने, आप मेरा परिवार हो, मेरा घर हो, जैसे जून साहब कह रहे थे ना जो बात, वही बात मेरे साथ है, दोनों भाइयों के साथ वही बात है। मेरा भी कितने और जी नहीं लगता, मैं थारे बिना मेरे दौरे भी जो है वो जो है ना वो यहीं बैठा है, जो है मेरे दौरे भी। तो मैं कहते हैं आप मेरा बैंक का खाता भी आप हो, मेरी जमा पूंजी भी आप हो, मेरी सारी जवानी की सारी तपस्या खून पसीना भी आप हो, और जो हो आप हो। तो आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि भाई ये लड़ाई लड़ेंगे आने वाले समय में, मगर आपका आशीर्वाद हो और आपका साथ हो, आप कहो तो मैं हरियाणा के कोने कोने में जाकर, आप यहाँ अगर घर की जिम्मेदारी आप लो तो हरियाणा के कोने कोने में जाकर लड़ाई आने वाले समय में, उसमें आपका साथ और अपना आशीर्वाद आपका रहेगा, तो उस बात की, इस लड़ाई के अपन सारे मिलके वो लड़ाई लड़ेंगे। और भादुगढ़ की भी कोई भी बात हो,
भारतवर्ष की कोई भी बात हो, मैं जून साहब से भी कहना चाहता हूँ, आप सबसे बात करना, आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, पहले भी आज भी आगे भी कोई भी बात हो, जहाँ अड़ने की जरूरत है वहाँ अड़ा दियो, जहाँ लड़ने की जरूरत है वहाँ लड़ा दियो, जो दिन में रात में कभी भी जो है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी चाहे विकास कार्य हो, कोई व्यक्तिगत काम हो, चाहे कुछ भी बात हो, उसमें हम अपनी बात मजबूती से, अपना पक्ष हमेशा मजबूती से अपना पक्ष रख सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ और ज्यादा बात ना करते हुए एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और आज क्रिसमस है और क्रिसमस की भी